तो सबसे पहले हमारी अखंडता की बात आती है तो हम राष्ट्रीय हित के मुद्दों को लेकर के सबसे पहले मतदान करना पसंद करते हैं। सबसे पहले जो मेरे लिए लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा पे कौन सा क्या कितना काम हो रहा है, कितना फोकस किया जा रहा है, एक वो प्रायोरिटी है मेरी। दूसरा रहेगा जैसा आपने बताया महिलाओं को जो फोकस कर रहे हैं, तो महिला सुरक्षा के ऊपर कौन कितना मतलब काम हो रहा है, क्या ध्यान दिया जा रहा है। महिला सुरक्षा के लिए कदम तो उठाने चाहिए थे, ये जो उन्होंने वादे किए हैं वो थोड़ा बहुत तो उन्होंने उस पर काम किया है नो डाउट, बट अप टू मार्क नहीं है। संतुष्ट तो 50-50% बोल सकते हैं सर, जैसे कोई भी वर्क होता है वो 100% नहीं हो सकता है ना। जैसे सरकार ने काम किया है पर अगर हम देखें तो अगर उस पर और बेटर काम किया जाए तो आई होप कि वो आगे जाके अच्छा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। हम 1 अप्रैल से यूपी के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के मतदाताओं का मिजाज क्या है, वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे, उनके लिए प्रमुख मुद्दे क्या हैं। आज हम पहुँच चुके हैं आगरा और आगरा में हमारे साथ हैं कुछ शिक्षा विभाग के जो बीएड कर रहे हैं वो बच्चे हैं और उनके कुछ शिक्षक हैं। आइए हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब वो वोट डालेंगे, गौर करने वाली बात ये है कि इनमें से ज़्यादातर बच्चे पहली बार वोट डालेंगे तो उनके क्या मुद्दे रहेंगे और किन चीज़ों को ध्यान में रखकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इनके शिक्षक हैं उनसे बात करते हैं। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रोफेसर बसंत बहादुर सिंह, विभागाध्यक्ष शिक्षा संघ का RBS कॉलेज आगरा। और इस बार बच्चे जो है अपने हमारे जो विद्यार्थी हैं पहले मतदाता हैं और राष्ट्र हित में, देश हित में और जाति धर्म संप्रदाय से उठ करके वोट डालने की कोशिश करेंगे, ऐसी हमारी भावनाएँ हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। ये राष्ट्रहित क्या होता है, सबके लिए राष्ट्रहित अलग अलग है, उनके लिए जो राष्ट्रहित है वो आपके लिए राष्ट्रहित नहीं है। तो एक मैं चाहता हूँ कि कुछ मुद्दे बताइए जिसको आप राष्ट्रहित समझते हैं। एकता होना चाहिए, अखंडता होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, संवैधानिक जो संस्थाएँ हैं उनके अनुरूप कार्य होना चाहिए, संविधान का सम्मान होना चाहिए और जो भी गतिविधियाँ हैं वो भारतीय भारतीयता लेकर के होनी चाहिए, जिसमें एक राष्ट्र की भावना झलके, उसको हम राष्ट्रवाद कहेंगे जी। सर आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम शिव कुमार शर्मा और हमारा स्कूल है कंपोजिट विद्यालय श्यामा देवी। हमारे यहाँ बीएड वाले और डीएलएड वाले कुछ प्रशिक्षु आए हुए हैं शिक्षण के लिए। स्वीप कार्यक्रम के तहत ये आज हमने मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया है। ये जो मतदान के लिए जो तारीख आ रही है इसमें हम रैली निकाल करके, बच्चों की मीटिंग्स करके, साथ में इनके पेरेंट्स को बुला करके मतदान करने के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जिस तरीके से ये लोकतंत्र का महापर्व बोला जाता है तो इसमें सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो है हमें अपने मत का प्रयोग करना। जो हमारा मतदाता घर से ही नहीं निकलता, वो मतदान के दिन छुट्टी मनाकर घर पर बैठते हैं, हम घर घर जा कर के उनको मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें सबसे पहले मतदान करना है। आप एक शिक्षक के रूप में, एक जागरूक मतदाता के रूप में अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, पर ये बताइए कि जब आप एक व्यक्तिगत मतदाता के रूप में वोट डालते हैं तो वो क्या मुद्दे हैं जो आपके लिए सबसे ऊपर रहते हैं, मतलब सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं आप उन्हें? देखिए, सबसे अगर प्राथमिकता की बात आती है, सबसे पहले प्राथमिकता की बात है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। जिस तरीके की हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम अनेकता में एकता का हम लोग प्रतीक हैं पूरे संसार में, हमारे देश में विभिन्न जातियों के, विभिन्न मतों के, विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहते हैं, तो सबसे पहले हमारी अखंडता की बात आती है तो हम राष्ट्रीय हित के मुद्दों को लेकर के सबसे पहले मतदान करना पसंद करते हैं। ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम अंजलि वर्मा है और मैं बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। तो अंजलि, इससे पहले आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? नहीं सर, मेरा अच्छा पहली बार वोट डालेंगी। तो जब आप पहली बार वोट डालती हैं, सारी पार्टियां जो हैं वो नए वोटर्स को और खासकर नए वोटर और महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए बहुत कोशिशें करती हैं, आप जब बूथ तक जाएंगी तो वो क्या मुद्दे होंगे, वो क्या बात होगी जो जिससे आपका मत तय होगा? सर मेरा मत जो तय होगा वो सबसे पहले जो मेरे लिए लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा पे कौन सा क्या कितना काम हो रहा है, कितना फोकस किया जा रहा है, एक वो प्रायोरिटी है मेरी। दूसरा रहेगा जैसा आपने बताया महिलाओं को जो फोकस कर रहे हैं, तो महिला सुरक्षा के ऊपर कौन कितना मतलब काम हो रहा है, क्या ध्यान दिया जा रहा है। और तीसरा जो मेरा रहेगा वो रोज़गार रहेगा, क्योंकि मैं एक युवा हूँ और अब जो हम देख रहे हैं इस टाइम पर रोज़गार का जो मतलब
जरूरत है और जो उसकी मतलब प्रोवाइड करी जा रही है नहीं करी जा रही है, तो वो मेरा क्या जो मौजूदा आपकी राज्य सरकार है और केंद्र सरकार, ऐसा लग रहा है आपको कि रोजगार के मोर्चे पे पर्याप्त काम हो रहा है? सर अगर मतलब अगर इस पे रोजगार पे पर्याप्त काम हो रहा होता तो मुझे नहीं लगता जो अभी हाल ही में कई सारे एग्जाम्स लीक हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन कई सारे जो एग्जाम्स लीक हुए जिनमें जिनमें हम में से कई लोगों ने भी दिए थे वो एग्जाम्स, जिनसे कई लोगों को उम्मीद थी कि एज पूरी हो चुकी है कि मतलब इसमें कुछ हो जाएगा तो हमारे आगे फ्यूचर बन जाएगा, लेकिन उनका क्या मतलब रिजल्ट रहा वो तो मुझे लगता है ये सबके लिए समझने वाली बात है कि सरकारें कितना काम कर रही हैं और कितना नहीं कर रही हैं। मतलब आप कह रही हैं कि रोजगार के मोर्चे पे सरकार ने मतलब पर्याप्त काम नहीं किया। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ऋचा है, मैं बीएड सेकंड ईयर की छात्रा। ऋचा ये बताइए, ये कह रही कि रोजगार के मोर्चे पे नहीं उतना काम हुआ जितना होना चाहिए। एक मुद्दा इन्होंने सुरक्षा का भी उठाया, क्या आपको लगता है कि सुरक्षा इन जनरल और महिला सुरक्षा को लेकर स्थिति संतोषजनक है अभी आपके प्रदेश में या आपके लोकसभा क्षेत्र में? सर पहले से तो कहते हैं सरकार ने काफी काम किया है, कहते हैं इसे नहीं, आप क्या सोचती हैं? नहीं सर पहले से थोड़ा सिक्योर फील करते हैं, बाकी आजकल सरकार ने कहते हैं हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं तो उस पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हम डायरेक्टली वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, तो सरकार पहले से बेटर कर रही है कंट्री के लिए, सुरक्षा के मुद्दे पे बेहतर कर रही है, थोड़े से बेटर है, पहले से बेटर है। अच्छा ये बताइए कि जब आप लोग वोट डालते हैं तो घर परिवार वालों का भी प्रेशर होता है या जब वोट डालने जाएंगी तो अपने मन से वोट डालें? सर वो हमारा इंडिविजुअल होता है, सब घर में अपना अपना जिन्हें जो सही लगता है जो कैंडिडेट उनके लिए सही रहता है उन्हें लगता है कि हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए, सब अपने अकॉर्डिंग वोट कास्ट करते हैं। वोट इससे पहले आपने वोट डाला है? हाँ सर मैंने डाला है। अच्छा कब वोट डाला था आपने? सर मैंने पंजाब में डाला था लास्ट वोट। अच्छा आप पंजाब से हैं? यस सर। तो यहाँ आप बीएड करने आई हैं? यस सर मैं मतलब मेरी फैमिली यहीं पे है। तो जब आपने पंजाब में शायद विधानसभा में डाला होगा वोट, तो जब विधानसभा में आपने वोट डाला था तो क्या मुद्दे थे आपके? सर मेन यही होता है कि कहते हैं कि कैसे सरकार कहते हैं मतलब ये मतलब हॉस्पिटल्स मतलब हमें एजुकेशन सेक्टर में क्या है ये हॉस्पिटल्स को मतलब जो भी है इस तरीके तो मुझे एक चीज़ बताइए ये मेरे लिए थोड़ा और मेरे वोटर को भी समझाने के लिए कि आप पंजाब से बीएड करने आगरा क्यों आई हैं? नहीं सर पंजाब से नहीं, मेरे फादर रिटायर हो गए हैं तो हम यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा पहले आपके बताइए आपने महिला जो आपकी महिला साथी हैं उनको सुना, उनके लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, आप एक बार अपना नाम बता दीजिए पहले। जी सर मेरा नाम ओम कुमार है, मैं आरबीएस द्वितीय वर्ष का बीएड का छात्र हूँ। अच्छा तो ओम आप ये बताइए कि मतलब जाहिर है आप बीएड कर रहे हैं तो रोजगार आपके लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्या जो यहाँ की जो सरकार है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर यहीं मैं आगरा का ही हूँ। तो ये बताइए कि एक तो ये बताइए कि आगरा में स्थिति पिछले 10 साल से भाजपा के सांसद हैं यहाँ। जी सर हाँ। आगरा की स्थिति पहले की तुलना में अभी आपको कैसी लग रही है? सर आगरा की स्थिति काफ़ी सुधरी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सुरक्षा भी काफ़ी सुधरी है, पुलिस बल भी काफ़ी तैनात हुआ है, लेकिन जैसे आपने अभी पूछा कि जो हमें बेरोजगारी है, जैसे कि हम बीएड कर रहे हैं अभी तो पिछले 4-4.5 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे लिए कोई प्राइमरी की वैकेंसी या अब तो बीएड वाले भी प्राइमरी से बाहर कर दिए गए हैं तो बीएड की वैकेंसी भी नहीं है काफ़ी सालों से, तो हम चाहेंगे कि आगे इस मुद्दे पर भी गौर किया जाए और हम उसी मुद्दे पर वोट डालने की कोशिश करें जो हमें रोज़गार प्रदान करे। तो क्या कभी आप लोग इस तरह के की मांग सरकार तक पहुंचाते हैं कि जल्दी से वैकेंसी निकाली जाए सर, या सर मतलब आप लोगों ने कभी इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश की छात्रों ने कि वैकेंसी बहुत दिनों से लटकी हुई है उसको जल्दी भरा जाए? सर दबाव तो नहीं, लेकिन हमने अपनी मांग पूरी उठाई है, लखनऊ में भी अभी भी चल रहा है अभियान कि प्राइमरी वैकेंसी दी जाए, LT ग्रेड वैकेंसी दी जाए, TGT PGT की वैकेंसी दी जाए, लेकिन काफ़ी साल हो चुके हैं प्राइमरी की वैकेंसियों में शिक्षा मित्रों को इंक्लूड करके बता दिया गया सारी सीटें फुल हैं, लेकिन सर ऐसा नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाली जाए, यूपी में भी 5 साल होने को आ गए हैं, बार बार यूपी टेट करा दिया जाता है लेकिन वैकेंसी की सुपर टेट अभी तक आई नहीं। बताइए ये अक्सर हम लोग देखते हैं बातचीत करने के दौरान कि लोग बातें करते हैं कि रोजगार मुद्दा है, विकास मुद्दा है, लेकिन वोट जब डालने जाते हैं तो जाति मुद्दा हो जाता है, धर्म मुद्दा हो जाता है, घर वाले किसको वोट डाल रहे हैं, क्षेत्र मुद्दा हो जाता है, ऐसा आप लोग भी सोचते हैं या इन मुद्दों को आप लोग भी प्राथमिकता देते हैं? नहीं सर, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो होंगे वो तो अपने स्वविवेक के अनुसार ही वोट डालेंगे, लेकिन कई कई क्षेत्रों में होता है परिवार का भी दबाव रहता है, कोई कोई जातिवाद भी दबाव रहता है, लेकिन इससे आगे बढ़कर हमें सोचना चाहिए कि जो देश हित में हो, बेरोजगारी हो, महंगाई ना हो, इस मुद्दे पर हमें वोट डालना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कनिका सिंह है और मैं बीएड सेकंड ईयर की छात्रा। कनिका
ये सरकार बहुत दावे करती है, जो आपकी जो प्रदेश सरकार है 7 साल से बहुत दावे कर रही कि हमने सुरक्षा पर बहुत काम किया है। पहले महिलाएं असुरक्षित थी, दिनदहाड़े उनके साथ छेड़खानी हो जाती थी, एंटी रोमियो स्क्वाड बना, वो ठीक है विवादों में रहा। क्या आपको लगता है कि ये सब मुद्दे पर्याप्त हैं या महिला सुरक्षा के लिए कुछ और भी कदम उठाने चाहिए थे? हाँ जी, महिला सुरक्षा के लिए कदम तो उठाने चाहिए थे। ये जो उन्होंने वादे किए हैं वो थोड़ा बहुत तो उन्होंने उस पर काम किया है नो डाउट, बट अप टू मार्क नहीं है कि जितना होना चाहिए उतना तो नहीं है। इस पे उन्हें और काम करना चाहिए, नए लॉज लाने चाहिए, अच्छे से इम्प्लीमेंट होना कोई, चाहिए। कोई खास एक स्पेसिफिक मुद्दा, कोई विशेष मुद्दा जो आपके ध्यान में आता हो महिला सुरक्षा को लेके? हाँ, महिला सुरक्षा को लेके स्पेसिफिक मुद्दा यही है ना कि उन्हें रात को जो गर्ल्स है वो अभी भी उन्हें बोल दिया जाता है कि आपको 8 बजे से पहले घर आना है या फिर ये कौन बोलता है? घर वाले बोलते हैं? घर वाले बोलते हैं। वो घर वाले इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है अपनी बेटियों को लेके। अगर उन्हें लगेगा कि हमारी बेटी बाहर सुरक्षित है तो वो क्यों ही बोलेंगे? उन्हें लगता है ना कि बाहर का माहौल ऐसा नहीं है जहाँ पे वो सही से जा सकती है। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप आगरा की वोटर है? नहीं, कहाँ की वोटर? एटा की। अच्छा, एटा में सर इससे ज्यादा माहौल खराब है इसलिए उसके हिसाब से बताया। आप कह रही हैं कि उस शहर में माहौल जो है यहाँ की मतलब यहाँ से नहीं खराब, नहीं यहाँ से थोड़ा सा कम है आगरा की अपेक्षा। अच्छा, आगरा की अपेक्षा महिला जो है। आप अपना नाम चलिए आप नहीं बोलेंगे, ठीक है? नहीं ठीक है, बोलेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे, बिना बोले कुछ नहीं मिलता है कभी। तो अपना नाम एक बार बता दें। मुनिका, आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर आगरा की। अच्छा, एक चीज बताइए, आप पहली बार वोट डालेंगे? नहीं सर, दूसरी बार, 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब। अच्छा, आप सेकेंड टाइम वोटर हैं। आपको पता है कि यहाँ पर आपके मतलब जो तीनों प्रमुख पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार कौन कौन है? तो फिर कैसे वोट डालेंगी, आप क्या सोच कर वोट डालेंगी जब आपको उम्मीदवार के बारे में? मैं अभी शिफ्ट हुई हूं ना यहां पे आके, 2 साल हुए मुझे। अरे 2 साल, उम्मीदवार तो 10 दिन पहले डिक्लेयर हुआ है। अच्छा ठीक है, अब 2 साल पहले शिफ्ट हुई हैं, उसी समय प्रदेश में नई सरकार भी बनी होगी 2022 मार्च में, और आपके सांसद भी पुराने ही हैं, जो एसपी बघेल हैं वो 2 टर्म से भाजपा के सांसद हैं, ठीक है? वही फिर तीसरी बार भी उम्मीदवार है, ठीक है, बसपा से सुनीता हो रही है। तो ये बताइए कि जो मौजूदा सांसद और मौजूदा सरकार, अपनी जो प्रदेश सरकार है, उसके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो 50-50% बोल सकते हैं सर, जैसे कोई भी वर्क होता है वो 100% नहीं हो सकता है ना। जैसे सरकार ने काम किया है पर अगर हम देखें तो अगर उस पर और बेटर काम किया जाए तो आई होप कि वो आगे जाके अच्छा करेगी। ये बहुत जर्नलिस्टिक बात नहीं है कि काम हुआ है और होने की जरूरत है, थोड़ा है थोड़े करने की जरूरत है ना। जैसे कि हम कोई भी स्कीम वगैरह कुछ भी जैसे महिला सुरक्षा को लेते हैं तो उस पर मतलब सरकार काम कर रही है, ठीक है, बट वो चीज सही तरीके से वो ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पाती है। इस तरीके से काम कर रही है पर मतलब ग्राउंड लेवल पे जैसे प्रोटेक्शन के लिए कोई किस तरीके से आप पूछिए, पूछो आप। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप पहले भी आगरा में रहती थी या पहले कहाँ रहती थी? जी सर, पहले मैं एटा से थी। तो आप अच्छा यही बता दीजिए, आप एटा में ज्यादा सिक्योर फील करती थी कि आगरा में ज्यादा सिक्योर फील? आगरा सिक्योर फील। क्यों आप आगरा में ज्यादा सिक्योर फील करती हैं? वो सर एजुकेशन का मतलब वहाँ पे एजुकेशन इतनी आई थिंक वहाँ पे लोगों ने इतना डेवलप नहीं किया है, तो यहाँ पे काफी ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि बड़ा शहर है, सुविधाएं अधिक है। हाँ ठीक है, हम आते हैं आगे की पंक्ति में, कुछ और बच्चों से बात करते हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। अंकिता। अंकिता, तो अंकिता ये बताइए कि कुछ यहाँ आसपास के शहरों से भी आए लोग हैं और उनका कहना है कि आगरा का माहौल एटा, इटावा, इन जगहों से, मैनपुरी से बेहतर है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से हैं, तो फिर तो आप मुख्यमंत्री के मतलब मुख्यमंत्री के गृहनगर से हैं। ये बताइए, पहले यही बता दीजिए कि आपको आगरा सुविधा के और सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर लगता है या गोरखपुर? गोरखपुर। अच्छा, आप कह रही हैं कि मुख्यमंत्री का, तो फिर लेकिन आप फिर यहाँ पढ़ने के लिए फिर यहाँ क्यों आई? अगर ये बेहतर था तो आप पढ़ने के लिए यहाँ क्यों आई? पापा की जॉब ट्रांसफर वाली थी, उनका ट्रांसफर यहाँ हुआ, उसमें आ गई। अच्छा, जॉब ट्रांसफर की वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। एक चीज बताइए, आप वोटर कार्ड आपका गोरखपुर में है, तो क्या वोट डालने आप गोरखपुर जाएंगी? तो जब वोट डालने आप जाती हैं तो आपके लिए क्या मुद्दे हैं जो सबसे
सबसे टॉप पर होते हैं? शिक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा। शिक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा, इन तीनों मुद्दों पर आप मौजूदा सरकार को कैसे आंकती हैं? मतलब अगर 10 में से मार्किंग करनी हो तो कितनी मार्क्स कितने मार्क्स देंगी? महिला सुरक्षा पे काम हुआ है, शिक्षा पे हुआ, रोजगार पे होना बाकी है, उस पे नहीं। मतलब आप मानती हैं कि रोजगार पर ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है? मानती है। तो आपके शहर में के से जो मुख्यमंत्री बाबा हैं, तो कभी आप लोग मिलती हैं उनसे? वो आते हैं तो मिलते हैं। तो कभी आप लोगों ने अपनी बात नहीं पहुंचाई उन तक कि रोजगार पर युवा हताश हैं, रोजगार उस तरह से नहीं, अवसर नहीं मिल रहे हैं? पहुंचाया है और गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो क्या ही करें। तो वोट उस मुद्दे पर कीजिए। उसी मुद्दे पर करते हैं, रोजगार की, शिक्षा की और सुरक्षा के मुद्दे पर ही वोट करते हैं। सुरक्षा में आपको क्या अंतर दिखा, मतलब मौजूदा 7 साल की सरकार में और उससे पहले की सरकार में? सुरक्षा ऐसा क्या लग रहा है आप लोगों को कि आप लोग पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? ईव टीजिंग ज़्यादा होती थी जो कि अभी कम हो चुकी है। पहले मॉलेस्टेशन ज़्यादा होता था, पब्लिक एरिया में निकलते थे तो लड़कियों के लिए इतनी सेफ्टी नहीं थी, अभी पहले से बेहतर है। आप कह रही है कि कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है, लेकिन कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये कानून व्यवस्था का राज नहीं है, ये तो आतंक का राज है, जो विरोधी है उनके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। ये मैं नहीं जानती, मेरे वाले में तो महिला सुरक्षा पे काम हुआ है और विरोधियों का मेरे को नहीं पता। अपना नाम एक बार बताइए। मेरा नाम चित्रा गौतम है, मैं बीएड आरबीएस की छात्रा हूँ और आगरा की रहने वाली हूँ। ये बताइए, वोट डालेंगी? तो ये बताइए कि आपके यहाँ तीनों प्रमुख पार्टियों ने किनको किनको उम्मीदवार बनाया? तीनों प्रमुख, ऐसा मुझे इतनी जानकारी नहीं है क्या, मतलब कौन कौन है जो रिप्रेजेंटेटिव हैं तीनों पार्टियों के, लेकिन मैं एक पार्टी की डेवलपमेंट के तरीके से देख सकती हूँ कि कौन पार्टी कितना डेवलपमेंट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम वोट करें। अच्छा, तो ये बताइए, जब आपको उम्मीदवार के नाम नहीं पता है तो आप वोट किस मुद्दे पे करती हैं? पार्टी देखती है, स्थानीय उम्मीदवार, मतलब किन पार्टी ने किनको उम्मीदवार बनाया है कि, या मुद्दे किन पार्टियों के क्या मुद्दे हैं, किसको तरजीह देती हैं? तो ये सेंट्रल लेवल की जो इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ मैं किसको वोट करना चाहती हूँ। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि डिफेंस सेक्टर में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, रिसर्च सेक्टर में भी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन फील्ड में भी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो मैं उसको लेके मैं अपना वोट देना चाहूँगी। ठीक है, मतलब आप, मतलब रोजगार आपके लिए उतना बड़ा मुद्दा नहीं है? रोजगार मेरे लिए मुद्दा है क्योंकि वो हमारी जो एज है, अभी हम यूथ है, हमारे लिए रोजगार भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, तो मैं उसको भी लेके करूँगी। लेकिन हमारे जैसे हमारी जो लाइफ है, रियलिटी है, वो सही या गलत को देख के नहीं होती, वो एक हमें मीडियम देखना होता है कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, तो हम ये चीज़ देख के करेंगे कि वो कौन ज़्यादा गलत है उस चीज़ को नहीं, कौन उससे बेटर है, हम बेटर मुद्दे को, हम बेटर पर्सन को चुनेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आप लोग सब बीएड की छात्राएं हैं और उसके बाद जाहिर तौर पर आप शिक्षिका बनना चाहेंगी। अभी बिहार में ना बहुत वैकेंसी निकली बीएड की, तो क्या आप लोग दूसरे प्रदेशों में भी फॉर्म भरती हैं? मुझे किसी ने बताया कि यूपी के, मतलब वहाँ जो बिहार में जो अभी शिक्षकों की वैकेंसी निकली थी उसमें 14% टीचर्स बिहार के बाहर के राज्यों के हुए हैं। मैं निजी तौर पे भी जानता हूँ कि यूपी के भी काफ़ी बच्चे बिहार गए शिक्षक की नौकरी करने। क्या आप लोग भी अगल बगल के राज्य या जो जहाँ पर अवसर है वहाँ जाती हैं? क्योंकि सर ये बिहार बीएड की वैकेंसी निकली थी उसमें हम एलिजिबल नहीं थे उस टाइम। नहीं, उस टाइम तो एलिजिबल आप होंगी नहीं, अभी तो आपका बीएड सेकंड ईयर। तो हमने देखा कि बहुत ज्यादातर बच्चे दूसरे स्टेट से, यूपी से सिलेक्ट हुए उसमें। नहीं, ज्यादातर बच्चे यूपी से सिलेक्ट नहीं हुए, मतलब जितने लोगों ने भरा उनके हिसाब से। हाँ, कुल वैकेंसी के 14% बच्चे बिहार में बाहरी राज्यों से, उसमें बिहार के अलावा सभी राज्यों के मिला के 14% बच्चे हैं। इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार आई है किसी भी राज्य में, तो हर कोई चाहेगा, इतना बेरोजगारी है, किसी के पास रोजगार नहीं है, तो अभी उनकी कहीं पे भी जॉब लग जाए तो वो यही चाहेगा कि हम जहाँ पे भी इतनी सारी वैकेंसी है वहीं भर दें, तो हर कोई लेना चाहेगा वहाँ पे जॉब। अच्छा, आप कह रही यस, ठीक है। आप भी बीएड के छात्र हैं? नहीं सर, मैं डाइट डीएलएड का एसएससी हूं। तो ये बताइए, आप आगरा के वोटर हैं? हाँ सर। तो ये बताइए कि, अच्छा पहले तो मैं ज़्यादातर बच्चों से पूछा, उन्हें उम्मीदवारों के नाम नहीं पता है। सर मुझे भी सर मेनली उम्मीदवार नहीं पता। हाँ, पार्टी वाइज ही वोट करते हैं क्योंकि ये लोकसभा इलेक्शन है ना सर, इसलिए
अच्छा, मतलब आप लोग कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय चुनाव है, संसद लोकसभा का चुनाव है, तो इसमें उम्मीदवार कौन है? हाँ सर, मेनली बीजेपी का तो पता है सर, बट और पार्टियों का नहीं पता सर। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसी को वोट करना है इसलिए उसका पता है? नहीं सर, हमारे कुछ अपने मुद्दे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वोट करेंगे। तो क्या क्या मुद्दे होते हैं ये बता दीजिए। मेनली तो सर एजुकेशन है, जो सर सरकार एजुकेशन पर काम करेगी सर उसी को वोट जाएगा। उसके बाद सर एम्प्लॉयमेंट आता है, जो रोजगार देगी उस पर वोट जाएगा। और सर उसके बाद फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, जो सर देश के बाहरी जो सीमा है उसके अकॉर्डिंग और इंटरनल शांति के लिए जो काम करेगी उसके लिए वोट है सर। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी एक दो बच्चों ने और भी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का मुद्दा उठाया। यस सर। तो क्या आपको लगता है कि जो बाहरी सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत हुए हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल है सर। आप किसी भी इंडेक्स या किसी भी पहलू में आप देखेंगे सर, पहले से 10 साल जो शासन हुआ उसमें सर बहुत मजबूत स्थिति में हम सर। और सर एक पासपोर्ट का रैंकिंग होता है सर, हिंदी पासपोर्ट रैंकिंग, उसमें भी सर हमारी पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक बात है कि हम विश्व में अच्छा कर रहे हैं। नहीं, पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ने का मतलब ये होता है कि आप जब विदेश जाएंगे तो वहाँ आपको तरजीह उस हिसाब से मिलेगी, उसका सुरक्षा से कोई मतलब नहीं होता। कई बार दुनिया के सबसे छोटे देश के पासपोर्ट की वैल्यू सबसे अधिक होती है। नहीं सर, वो एक इंडेक्स होता है, उससे हमें ये मिलता है कि हम हाँ सच में प्रोग्रेस सही पाथ पे चल रहे हैं सर, उसी हम बोल सकते हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि मौजूदा सरकार देश को सही रास्ते पे ले जा रही है? सर ये 50-50 बोल सकते हैं सर। रोजगार पे काम करना चाहिए, एजुकेशन का बजट बढ़ाना चाहिए सर, इतना बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा सर वो मेनली सर। अच्छा, आपके बगल में एक सरकार है, दिल्ली सरकार, वो कहती है कि एजुकेशन पर हमने जितना काम किया उतना दुनिया में किसी सरकार ने नहीं किया है। सर वो हो सकती है उनके दावे हैं, मैंने इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा। हाँ। बट मुझे लगता है सर कि नाम बदलने से और नाम रखने से सर कुछ नहीं होने वाला होता, जब तक सर ग्राउंड लेवल पर नहीं होगा सर एजुकेशन के बारे में, रिसर्च के ऊपर बजट अलॉटेड नहीं होगा या फिर उस पर काम नहीं किया जाएगा तो सर कुछ नहीं होने वाला। एक एग्जाम्पल है सर कि अभी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, आप खुद घूम रहे चारों तरफ, आप देख सकते हैं कितना वर्क हुआ है, कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, आपके पास ही उसका डाटा सर। मुझसे बेहतर आप बता सकते हैं कि सरकार पॉलिसी बनाती है पर वो ग्राउंड पे सर नहीं काम कर पाती, वही दिक्कत है। कुछ नीचे मतलब पिछली पंक्ति के बच्चियों से बात करते हैं। आप लोगों तक पहुँच चुका है इसे में, कोई आप लोगों में से कोई बात करना चाहता है? चलिए, ये शायद बात करना चाहती हैं। ये बता दीजिए कि एक ज़्यादातर लोगों ने कहा कि सरकार का काम काज तो ठीक है पर रोजगार के मुद्दे पे मतलब रोजगार के मुद्दे पे सरकार के प्रदर्शन से ये लोग संतुष्ट नहीं है। आप कहाँ की वोटर हैं? सर मैं आगरा की वोटर हूं। तो अच्छा, आगरा की वोटर हैं। ये बताइए कि आप जब वोट डालने जाएंगी, और कुछ ज़्यादातर लोगों को यहाँ पता ही नहीं है कि उम्मीदवार कौन है उनके, तो वोट आप जब वोट डालने जाएंगी तो क्या देखेंगी, पार्टी या उम्मीदवार? उम्मीदवार ही देखी जाएगी। तो चलिए आप बता दीजिए कौन कौन उम्मीदवार है। तो फिर कैसे वोट डालेंगी आप, क्या सोचकर वोट डालेंगी? आप कह रही कि उम्मीदवार को देखूंगी मैं। सर यही है, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट डाला जाएगा। तो आपके हिसाब से अच्छा काम क्या है? अच्छा काम यही है सर कि सबको जॉब वगैरह मिलनी चाहिए। सबको जॉब तो किसी भी सरकार में नहीं मिल सकती। मतलब ये है कि सब लोग कह रहे हैं कि जॉब का बहुत बड़ा मुद्दा आया है कि सरकार रोजगार बढ़ाए, तो सर बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए सरकार जो कर रही है वैकेंसी वगैरह निकाल रही है, लेकिन पॉपुलेशन भी तो देखिए आप कितनी है। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार कदम उठा रही है पर आबादी इतनी बढ़ गई है कि वो कदम पर्याप्त नहीं है। जी सर, पॉपुलेशन इतनी है, आगरा फर्स्ट नंबर पर, मतलब इंडिया फर्स्ट नंबर पर आ रहा है पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा। तो सर अगर सरकार निकालती भी है, अगर 10 वैकेंसी निकालती है और 15 लोग हैं, तो सर सरकार की इसमें गलती तो नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर जो बेरोजगारी है उसके लिए हम आप जिम्मेदार हैं, सरकार की गलती नहीं है। लेकिन लेकिन एक चीज़ बताइए, आप कह रही सरकार की गलती नहीं है पर पर्चा लीक हो जा रहा है, एग्जाम रद्द हो जा रहे हैं, ये तो सरकार की गलती है ना। सरकार पर्चे लीक करने थोड़ी ना आ रही है, ये तो वही है जो। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था में खामी है ना, आपकी आपके स्कूल से पर्चा लीक हो जाता है तो प्रिंसिपल साहब की कोई ना कोई गड़बड़ी तो होगी ना। तो सुरक्षा की कहीं ना कहीं चूक है, कहीं ना कहीं व्यवस्था की खामी है ना। बिल्कुल, वो तो है सर, लेकिन उसकी वजह से बच्चों के 6 महीने साल भर बर्बाद हो गए। जी बिल्कुल। तो मतलब ये नहीं लगता है कि आपको इन चीजों पर बेहतर करने की जरूरत है? चलिए ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है, हम तो चाह रहे हैं कोई बोले। अपना नाम बता दीजिए एक बार। सर मेरा नाम सनी यादव है, मैं बीएड सेकंड ईयर का साथ हूँ।
बी एड सेकेंड ईयर का छात्र है। सनी ये बताइए कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो ये देखते हैं कि पार्टी अहम है या पार्टियों के मुद्दे अहम है या जाति अहम है या गोत्र अहम है। हम कई इलाकों में गए तो लोगों का कहना था कि हम तो जाति के आधार पर ही वोट करेंगे, हमारी जाति का उम्मीदवार जो पार्टी देगा वो हम उसे ही वोट करेंगे। आप वोट देते समय में क्या सोचते हैं? सर हम मुद्दे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मुद्दा जो है सही रहना चाहिए, जैसे शिक्षा कराना चाहिए, रोजगार कराना चाहिए, ये सब मुद्दों को। शिक्षा और रोजगार आपके लिए प्रमुख है। तो ये जो मौजूदा सरकार है जो 7 साल से चल रही है और केंद्र सरकार जो 10 साल से चल रही है, उसको उसका काम आप कैसे देखते हैं शिक्षा और रोजगार पर? सर रोजगार के मामले में देखा जाए तो ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है, क्योंकि जब से यूपी में जो आई है तब से कई पेपर करवाए हैं, जो करवा भी रही वो लीक हो जा रहा है और जो हो जा रहा है सही से उसका जो है नहीं, 3-4 साल लग जा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, मतलब कोर्टों में केस चले जा रहे हैं, उनमें तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं छात्रों को रोजगार मिलने में, नियुक्ति पत्र मिलने में। रोजगार के मामले पूरी तरह से विफल है सरकार। तो कभी आप आगरा के ही वोटर हैं? नहीं सर, हम पूर्वांचल से आजमगढ़ से। तो कभी आप लोग जो अपने सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उन लोगों को ये सब बातें बताते हैं, उनका घेराव करते हैं, दबाव बनाते हैं आप लोग? सर दबाव तो बनाया जाता है, पर वही है कि अब लखनऊ में इतने दिन से सर चल रहा था, कुछ उसका हुआ नहीं। शिक्षक भर्ती सर 5-6 साल हो गए, अभी तक आए नहीं है। अच्छा ठीक है। तो ये आगरा के कुछ छात्र थे जिनके अपने मुद्दे हैं, उनका कहना है कि कमोबेश राष्ट्रीय सुरक्षा और जो मतलब स्थानीय स्तर पर सुरक्षा के मोर्चे पर देश में बेहतर माहौल बना है, पर रोजगार और शिक्षा को लेकर सरकार को और काम करने की ज़रूरत है। बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर भी छात्र परेशान हैं, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे हैं। ये सब मुद्दे इस चुनाव में कितना प्रभावी रहेंगे? एक चीज बताइए, आप सब लोग वोट डालेंगे? यस सर। तो ये वोट डालेंगे, आप लोग भी अपना वोट जहां भी जिस भी फेज में मतदान है जरूर डालिएगा और लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहिएगा। ऐसे ही हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, कहां के क्या मुद्दे हैं आपको बताते रहेंगे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। उसको रेड को दबा दीजिए, वो जो कैमरा है ना उसको दबा दीजिए।